लेकिन हैट्स ऑफ टू हिंदुस्तान, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा खेला, बैटिंग ने बहुत तबाही मचाई उनकी, उन्होंने बिल्कुल फजूल किस्म की बॉलों पे आउट हुए। बहुत बड़ा मैच हुआ और आज हिंदुस्तान हार गया और न्यूजीलैंड चोकर से विनर बन गए। बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड को, लेकिन क्या बात है रविंद्र जडेजा की, वाह वाह वाह, मजा आ गया। बेहतरीन इनिंग्स धोनी, यू आर एब्सोल्युटली लेजेंड, और तुमने खेल के दिखाया, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन एंड यू आर अ ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट के वक्त आपने डाइव लगानी थी, लेकिन हिंदुस्तान यू आर सो क्लोज बट येट यू आर सो फार। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिंदुस्तान, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा खेला, बैटिंग ने बहुत तबाही मचाई उनकी, उन्होंने बिल्कुल फजूल किस्म की बॉलों पर आउट हुए और हिंदुस्तान ने बिल्कुल भी किसी चार पांच जो विकटें हिंदुस्तानी गिनी, कहीं पे भी लगा कि हिंदुस्तान इस मैच में कम बैक कर सकता है, लेकिन अनटिल जडेजा कम्स इन, और जब जडेजा वापस अंदर आया है तो कमाल कर दिया उसने। आई थिंक कि सुपर्ब इनिंग्स, मुझे लगा कि उसको जो जिस बॉल पे वो आउट हुआ है वो छक्के वाला बॉल था, वो अनफॉर्चुनेटली ऊपर चला गया जिसकी वजह से वो निकल गए। लेकिन ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉल, ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉलें बैट्समैनों को तंग करती हैं, स्पेशली इंडियन बैट्समैनों को तंग करती हैं। रोहित शर्मा को अच्छा बॉल हो गया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन विराट कोहली वॉज अनलकी। यही मैं बार बार कहता हूं कि जब यार आप मार्जिन ऑफ एरर आप बैट्समैनों पे अपना छोड़ दो, उस पर अंपायर्स पे, अंपायर आउट दे या अंपायर छोड़ दे, वो कुछ तो अंपायर के हाथ में होना चाहिए। लेकिन हालांकि वो बॉल बेल्स के ऊपर से जा रहा था, अब लगा अब टच हो गया जी तो अब आउट देना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट वॉज अ पुअर डिसीजन फॉर विराट कोहली कि उसको खा मखा में आउट दे दिया। बहरहाल एनीवेज वो क्रॉस द लाइन बहुत गए थे जिसकी वजह से लगा वो आउट थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन इतनी लड़ाई की उम्मीद नहीं थी हिंदुस्तान से, क्योंकि जब तक जडेजा अंदर नहीं आया और धोनी अंदर नहीं आया तो मुझे नहीं लगा कि ये टीम फाइट बैक करेगी, और ये इतना फाइट बैक करेगी कि जहाँ पे कि धोनी कुड फिनिश द गेम, अगर वो रन आउट ना होता तो धोनी कुड हैव फिनिश द गेम वेरी ईजी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया कुड नॉट क्रॉस द लाइन, द विनिंग लाइन। लेकिन बुरी बैटिंग की हिंदुस्तान ने, बहुत बुरी बैटिंग की हिंदुस्तान को, ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने मैच अपने हाथ से गंवा दिया। और इन्होंने अगर इनके दो तीन खिलाड़ी, पांच में से दो या एक खड़ा हो जाता तो काम पूरा हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में से कोई भी नहीं खड़ा हुआ, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आई थिंक दैट वॉज द, और विराट कोहली का दिन हो सकता था आज, लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन दिस इज हिंदुस्तान, आई थिंक यू प्लेड, यू हैव डन योर सेल्फ अ वेरी प्राउड इन टर्म्स ऑफ जडेजा, यू हैव सेव द ग्रेस, आई थिंक यू हैव डन मार्वेलसली।